नमस्कार, आप देख रहे प्रगति मीडिया, मैं खुशबू कुमारी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद के सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। आइए जानते हैं सरदार धाम भवन के द्वारा लोगों को क्या क्या सुविधा मिल पाएंगी। सरदार धाम के जरिए बेहतर नौकरी की इच्छा रखने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लड़कियों और लड़कों को छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाएगी। पाटीदार समाज द्वारा विकसित ये कॉम्प्लेक्स ऐसे सभी छात्राओं को उचित दर पर प्रशिक्षण, बोर्डिंग और रहने की सुविधा प्रदान करेगा। सरदार धाम में 1600 छात्राओं के लिए आवासीय सुविधाएं हैं, साथ ही 1000 कंप्यूटर सिस्टम के साथ ई लाइब्रेरी, पुस्तकालय, उच्च तकनीक कक्षाएं, व्यायामशाला, सभागार, बहुउद्देश्य हॉल, 50 लग्जरी कमरों के साथ विश्राम गृह है। व्यापार और राजनीतिक बैठकों के लिए भी सुविधाएं हैं। सरदार धाम परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये की लागत से यहाँ 2000 छात्राओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। सरदार धाम की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अहमदाबाद में पहले चरण का निर्माण 200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा किया गया है। यह अहमदाबाद गांधीनगर सीमा क्षेत्र में वैष्णो देवी सर्कल के पास 11672 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया गया है। सरदार धाम के लोकार्पण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा, नेशनल स्कीम से युवाओं का कौशल विकास बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इससे बाजार में कुशल लोगों की मांग होगी। युवाओं को ग्लोबल वर्ल्ड के लिए तैयार करें। सरदार धाम युवाओं को ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए भरपूर प्रयास करता है। गुजरात का हुनर प्रदेश व देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा है। गुजरात का युवा कहीं पर भी रहे, देश हित उसकी प्राथमिकता होती है। प्रगति मीडिया से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।